नमस्कार आप सभी मेरे प्यारे साथियों को, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा। तो चलिए फटाफट सारे स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। और नेट की तैयारी आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से कर चल रही होगी तैयारी। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाले जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। और आपके पास ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और आपके पास ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एंड कॉमर्स एंड फॉर कंप्लीट पेपर वन। एंड यह मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए। आपके पास सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है जहाँ पे प्लस और आइकोनिक के दोनों ही सब्सक्रिप्शंस हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विज़ मिल जाते हैं। अगर आप आइकोनिक का कोर्स ले रहे हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगे। और साथियों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आपको इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चाहे आप आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अभी 101 ABHI 101 कोड का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, तो कोई बच्चा स्किप ना करे, ठीक है साथियों। और आपको बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो जैसे आपको मैं बताऊं जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो ये आपके पास स्क्रीन शो हो रहा होगा जहां पे आपको वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस भी शो हो रहे होंगे। चाहते हैं अगर आप इन प्राइसेस पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए तो आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज यहाँ पे जैसे डेमो लाइव लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कोड डालना है क्या, ABHI 101, ठीक है। अभी 101 डालेंगे आप, अप्लाई करेंगे, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथियों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कुछ रहे बेनिफिट्स आपके। प्लस और आइकॉनिक के बक्स माउंट अवेलेबल है, कुछ भी कंटेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके, ठीक है साथियों। और इसके बाद बात करें तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री होती है, वहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास आपको मिस नहीं करनी है। डेली लेक्चर नोट्स आपको कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास अपकमिंग स्पेशल्स अवेलेबल है, आपके पास रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल है साथियों। तो आपके पास JRF के लिए 2022 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट पेपर वन के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के साथ नवदीप कौर मैम, नवीन शेख सर और आदिति विनोद आर्या मैम लेकर आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा बैच, ठीक है। लक्ष्य 2022 के लिए आपके पास कंप्लीट बैच पेपर वन के लिए लेकर आ चुके हैं, क्योंकि 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टार्ट कर दें क्लासेस को, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और कुछ क्वेश्चंस हम तो इस क्लास के कर चुके थे, तो हम आगे से करते हैं भाई, चलिए। यहां से करते हैं स्टार्ट, यहां से ये भी हो चुका है। चलिए यहां से करते हैं, शायद यहां से हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ फेल्योर इन बिगनिंग ऑफ फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, एक शिक्षक के लिए शुरुआत में विफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में निहित है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर या फिर टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो किस चीज में आपको लगता है कि मतलब टीचर फेल्योर हो जाता है अपनी चीजों को लेकर, तो चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे क्या होगा बच्चों आपका आंसर इसका। एक शिक्षक के लिए शुरुआत में विफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में निहित है, टीचर
जब आपका टीचर के पास नॉलेज ही नहीं होगा तो वह किस चीज के ऊपर वहां पढ़ाएगा, क्या करेगा, किस क्या बताएगा एक टीचर किसी भी बच्चे को। तो कहीं ना कहीं एक टीचर के पास अच्छा खासा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा खासा ज्ञान, ज्ञान नहीं सिर्फ, अच्छा खासा ज्ञान। किसी को अगर ABCD की अगर सिर्फ अगर बात करें, एक के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा बात करेंगे, तो उसको थोड़े पे नहीं, उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए उस कंसेप्ट के ऊपर। भले से बताए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए कि आप बच्चे को उस थोड़े में भी काफी चीजें एक्सप्लोर करके बता दो, एक हिंट दे दो। कभी कभी हम क्लास में जब बचपन में पढ़ाए जाते होंगे आप लोगों को, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि टीचर बोलता होगा कि बच्चों ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ये आपको और ज्यादा आगे जानने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर को पता है, वो सारी चीजें पता है, ज्ञान है उस चीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीरांबिका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाई M.K. गांधी, विवेकानंद, जॉन डीवे या फिर औरोबिंदो। जल्दी से बताएंगे, हिंदी वाले भी देख रहे होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा। मीरांबिका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाई M.K. गांधी, विवेकानंद, जॉन डीवे, औरोबिंदो या फिर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। और सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जल्दी से क्लासेस को फटाफट ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में करते जाएंगे। जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक और शेयर करते जाएंगे। चलिए, मीरांबिका मुक्ति मुक्त प्रगति शिक्षा के विचारों पर आधारित स्कूल की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो डी आपका अरविंदो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अरविंदो के द्वारा की गई थी। ठीक, ए सॉरी डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। शिक्षण कैरियर की शुरुआत में एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक, एक ही कारक ऐसा आपको क्या लगता है जो कि है द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ अ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग कैरियर इज? वर्बल फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट द क्लासरूम, या कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। क्या लगता है आपका आंसर क्या होना चाहिए, उचित कौन सा आंसर है? चलिए चलिए, फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर, पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट द क्लासरूम, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट द क्लासरूम। व्यक्तित्व और कक्षा में समायोजित करने की क्षमता अगर है टीचर के अंदर, तो यह सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है क्लासरूम को। ये समझ लीजिए, सबसे ज्यादा एक टीचिंग कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि अगर वह अपनी पर्सनैलिटी और अपनी एबिलिटी के द्वारा क्लासरूम में एडजस्ट हो सके। चाहे वो बच्चे कैसे भी हो सकता है, वहाँ पे बच्चे कुछ कम पढ़ने वाले हो, कुछ बच्चे कमजोर हो, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड हो, बहुत नॉलेजेबल बच्चे हो, तो उन क्लासरूम के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को, जो भी उसका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को और अपनी योग्यता को, दोनों को ही उस क्लासरूम के अंदर एडजस्ट कर लिया अगर, तो उस टीचर के लिए वो सबसे सफलतापूर्वक कार्य होगा। क्योंकि अदरवाइज कुछ बच्चे परेशान कर देते हैं टीचर्स को, मतलब पढ़ाने नहीं देते, या फिर कुछ बच्चे इतने हाई फाई होते हैं कि मतलब हो सकता है काफी नेक्स्ट चीजें पढ़े के बोल देता, अरे ये टीचर क्या पढ़ाएगा हमें, ठीक है, इससे ज्यादा तो हम पढ़े लिखे हैं। तो वो चीजें थोड़ा होती है क्लास के अंदर, बट वो एडजस्ट कर सके टीचर, उसके लिए सबसे सफल कारण बनता है, बन जाता है। फॉर अ टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, Which of the following is the best option to do in a leisure time? उच्च शिक्षण संस्थान में एक शिक्षक के लिए खाली समय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? Taking rest in teacher's room, reading magazines in library, talking to administrative staff या doing research? शिक्षक के कमरे में आराम करना,
पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, प्रशासनिक कर्मचारियों से बात करना या अनुसंधान करना। लाइक शेयर, सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज डूइंग रिसर्च, अनुसंधान करना यह बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि जब भी कभी उसको लगता है टीचर को कि हाँ यार अब मैं खाली हूं और मुझे क्या करना चाहिए, तो उस टीचर को हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों का खोज करना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से नई नई चीजों को जानने के प्रयास में लगना चाहिए। क्योंकि जब वो नई चीजें जानेगा, नई चीजों का खोज करेगा, तो वो नई नई चीजें वो अपने बच्चों को बताएगा, और जितना बच्चे नई चीजें जानेंगे, नई चीजें पहचानेंगे, नई चीजों का ज्ञान रखेंगे, उतना ही ज्यादा उनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, उतना ही नॉलेजेबल होगा, उतना ही उनके लिए इनोवेटिव होगा, नए नए आइडियाज उनके अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत जरूरी होता है कि टीचर खाली टाइम में अपने आप को रिसर्च कर सके, अपनी चीजों को रिसर्च कर सके, और भी उस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो सब्जेक्ट पे, या फिर किसी भी चीजों को ऊपर जो भी वो चीजें जिस चीज से रिलेटेड बच्चों से जुड़ा हुआ है उस चीज में वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके। ठीक है, तो अनुसंधान करना यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलर के पाठ्यक्रम मॉडल के घटक क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम, एम्स से सब्जेक्ट कंटेंट टीचिंग इवोल्यूशन पर्पस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स, या फिर आपको क्या लगता है सही आंसर, एम्स ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट टेस्टिंग फीडबैक या सब्जेक्ट कंटेंट टीचिंग लर्निंग और टेस्टिंग। क्या होगा आपका आंसर? चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर आप लोगों का, कि आपको क्या लगता है जो मॉडल टेलर्स ने दिया था, करिकुलम मॉडल दिया था टेलर्स ने, तो उस करिकुलम मॉडल क्या लगता है, देखिए कि कौन सा मॉडल दिया था, पर्पस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस और वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स, तो यह चार चीजें उन्होंने दी थी। ठीक है, क्या कि पर्पस, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो जो भी चीजें कर रहे हो उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, आपको शिक्षा के प्रति आपको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, और आपका गोल का वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए आपका क्या क्या होना चाहिए कि आप उसके प्रति पूरी तरीके से सत्य है, मतलब क्या कितना सही है कितना गलत है जो हम कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज के प्रति आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ गोल, ठीक है, वेरीफाई करना चाहिए कि ये कितना सही है कितना गलत है। चलिए तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपीरियंस्ड टीचर्स डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक बिकॉज, अनुभवी शिक्षकों को किसी विषय की विस्तृत पाठ योजना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इटसेल्फ, देर आर जस्ट फ्यू क्यूरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास, द टीचर इज नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स, इवन इफ दे आर रॉन्ग दे कैन इक्विप देमसेल्व्स विद ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू एक्सपीरियंस। चलिए क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे।
का डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। दे कैन इक्विप देमसेल्व्स विद विद ब्रीफ एंड आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू एक्सपीरियंस। वे खुद को संक्षिप्त रूपरेखा से लेस कर सकते हैं क्योंकि वे अनुभव के माध्यम से इसमें विशेषज्ञता हासिल करते हैं, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी योर राइट आंसर, क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप सभी स्टूडेंट पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई, द आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक कौन है, कवर्स द होल सिलेबस इन द क्लास, जो कि सिर्फ अपने सिलेबस को कवर कर देता है क्लास में, एक आदर्श टीचर, ठीक है। या हेल्प एज स्टूडेंट्स लर्निंग, पढ़ाई में सीखने में उनको मदद करे, छात्रों को सीखने में मदद करता है, वह टीचर एक आइडियल टीचर कहलाता है। या एक वो फ्रेंड की तरह, एक फिलोसोफर की तरह, या फिर एक गाइड की तरह अपने आप को दिखा पाता है बच्चों को, अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है अपने बच्चों के सामने। या एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होता है, जैसे आर्मी रोल होता है, ठीक है, एक सख्त अनुशासक होता है। आर्मी रोल नहीं, मतलब कह सकते हो आप ये कि आर्मी लोग सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं ना, तो एक अनुशासक सख्त व्यक्ति हो वो, तो क्या लगता है आपको कौन सा, किस टाइप का टीचर, मतलब आइडियल टीचर हम कह सकते हैं किसी टीचर को। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इट इज अ फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड फिलोसोफर, और एक गाइड के रूप में जब कोई वर्क करता है एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए, तो उससे एक शुभ की बात, मतलब एक आप ऐसे कह सकते हो कि एक आइडियल टीचर की बात हो सकती है। आप समझिए, कोई भी टीचर है आपको, आपकी हेल्प कर रहा है, जब भी आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, आपको गाइड कर रहा है, आपको कब कहां पे किस टाइम आपको क्या करना चाहिए, इस ये चीज प्रॉपर आपको बता रहा है। आपको एक फ्रेंड की तरह, फ्रेंड के टाइम जब उसको किसी बच्चे को ऐसा फ्रेंड चाहिए जो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, पढ़ा सके, समझा सके, इस तरीके का वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको एक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की तरह, आपको आप दर्शन कहते हैं ना कि आपको जो जीवन की सच्चाई, उस सच्चाई के आधार पर आपको लेके चल रहा है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक आइडियल टीचर बन जाता है। कहते हैं ना कि हाँ ये मेरे जीवन के आइडियल है, बोलते ना आइडियल है, तो ये एक आदर्श शिक्षक होता है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस बिकॉज़, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेनेबल टू रिग्रस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए समस्या उत्तरदायी नहीं होती है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। लैक ऑफ गुड टीचिंग मेथड, या फिर अच्छे शिक्षण की विधियों की कमी बहुत ज्यादा होती है कि हम अच्छे से टीच नहीं कर पा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे, उसकी कमी की वजह से, या ये सारे ही आपको लगते हैं रीजन। चलिए B will be your right answer. आपका B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. That is, problems are not amenable to rigorous scientific investigation. कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए समस्या उत्तरदायी नहीं होती है. उस चीज का कोई भी नहीं होता है. तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि जो कुछ मतलब वाकई में जो कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए है ना, जैसे कि ईश्वर की खोज, ईश्वर की खोज एक साइंस के लिए कितनी बड़ी चीज है, लेकिन हमारी प्रति इसके प्रति शिक्षा तो है ना, हम इनको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ, इनकी किताबें बनी हुई हैं, लेकिन इनके लिए वैज्ञानिक के लिए ये चीज बहुत कठोर है क्योंकि वो विज्ञान जो टोटल एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है, टोटल अनुभव ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है, तो वो चीजें ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उस चीज को टेस्ट करेंगे, तो आप है ना, तो वो चीजें को नहीं पता लग पाता। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज B
बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां पे क्वेश्चन होता है खत्म। तो किसी भी प्रकार का कोई बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता देंगे जल्दी से फटाफट। चलिए तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आई है तो, आप सभी लोग कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर आप कोई भी बच्चे कोड का इस्तेमाल करते हैं इसका तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप परचेज कर रहे हैं। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब अगर आप कोई भी क्लास एकदम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और अगर परचेज करेंगे तो 10% तो मिल ही जाएगा। तो आप सभी बच्चों का, अगर आप सभी स्टूडेंट्स का कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप सभी बच्चों को सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं एक शानदार से जानदार से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।